तो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू योर प्यारा 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 सा चैनल प्रैक्टिस मास्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं लेकर के आया हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पार्ट टू के क्वेश्चन, जो कि टॉप क्लास क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं। जैसा कि आपने पार्ट वन में आप सबने देखा होगा, पार्ट वन में मैंने 10 टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस कराए थे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं, अगर वो कॉन्सेप्ट्स वीक थे तो वो उन टॉप 10 क्वेश्चंस को लगाने से क्लियर हो गए होंगे, और वो सबके सब एकदम अलग थे, एकदम टॉप क्वालिटी क्वेश्चन थे। आज की तारीख में मैं पार्ट टू के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। पार्ट टू में भी हम लोग बचे हुए 10 क्वेश्चन लगाएंगे। ये जो पार्ट वन और पार्ट टू के क्वेश्चन थे 3 मार्क के क्वेश्चन थे। तो चलिए बगैर टाइम देर किए अब हम शुरू करते हैं। तो ये मेरे हाथ में उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, और आपके सामने तो बोर्ड पे आएंगे, तो आप वहां पढ़ेंगे, हम यहां पढ़ेंगे, और एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे बोला क्या गया है, बोला गया है सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अच्छा जी, पहला सवाल है, कह रहा है सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। रेडियस और हाइट दोनों का सम दिया गया है। कितना दिया गया है, बोलते हैं इज 37 सेंटीमीटर, यानी कि सम कितना दिया गया है, 37 सेंटीमीटर दिया गया है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1628, यानी कि अगर टोटल सरफेस एरिया कितना है 1628। भैया सवाल तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहली चीज तो तुम ये समझ लो कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया जब भी दिया जाता है तो हम टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, या लैटरल सरफेस एरिया जो भी है तो उसका फार्मूला, या कर्व्ड सरफेस एरिया तो उसका फार्मूला रख देते हैं इस तरह से। समझ गए ना, टोटल सरफेस एरिया या कोई भी सरफेस एरिया दिया जाए तो उसका फार्मूला पुट कर देना चाहिए। अब पुट करते ही तुम्हारे सामने दिखेगा कि यार आर प्लस एच तो ऊपर भी लिखा है और आर प्लस एच यहां भी लिखा है, तो हम एक काम करते हैं, हम आर प्लस एच की वैल्यू रख देते हैं, 37 इक्वल टू 1628 ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहां से जब हम r निकालेंगे तो हो जाएगा 1628 अपॉन 37, नीचे जाएगा 2 पाई भी नीचे जाएगा। 37 से इसको काटने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक सेकंड रुको, 37 से अच्छा है पहले 2 से काट लो, 2 8 16 2 1 2 4 जा, इतनी बात समझ में। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 अपॉन 7, अगले स्टेप में रखना 22, देखो 11 2 जा कट जाता है, 11 7 जा, 11 4 जा कट जाता है, 2 से काटोगे 2 3 जा, 2 7 जा कट गया, 37 बड़े आराम से कट गया। इस सबसे नीचे वाले 7 को सबसे ऊपर ले जाओ, ये तुम्हारी क्या गई रेडियस, कितनी 7 सेंटीमीटर। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो सवाल काट दिया जाएगा, ये आज की सीख है, ध्यान समझना। अब पहली इक्वेशन में जाएंगे, और पहली इक्वेशन में जाकर के आर की जगह 7 रखेंगे, 7 प्लस एच इक्वल टू 37, तो एच कितना हो गया 37 माइनस 7 30 सेंटीमीटर। आज की सीख याद है ना, कि आप एग्जाम में जाएंगे अगर कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो उसकी यूनिट जरूर लिखेंगे, चाहे वो साइंस का पेपर हो चाहे वो मैथ हो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आर और एच आ गया, अब आगे सवाल पढ़ो। अब लिखा हुआ है सवाल में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम ज्ञात करें, पता करें, ज्ञात करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई लिख दो 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो पहले यहां 7 का स्क्वायर लिखना, फिर अगले स्टेप में 7 के स्क्वायर की जगह 49 लिख देना, एच कितना है 30 है, 7 7 जा 49। अब 30 इंटू 22 करोगे तो 3 इंटू 22 कितना होता है 66, तो 660 ही आ गया, 660 को 0 तो लिख दो और 66 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ चुका है आपका इस तरह से। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वालिटी क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तो ये रहा, अब शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर जो दूसरा है उसका सलूशन करने जा रहा हूं, तो सवाल मैं यहां पढ़ता हूं आप वहां पढ़िए। लिखा है अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, नहीं दूसरा पढ़ लो भाई, फिर से पढ़ता हूं, हाँ सवाल मैं यहां से पढ़ता हूं, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर माने कि कुछ ऐसा, तो ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। आगे ऑफ हाइट 14, तो भैया इसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो गई। आगे बढ़ते हैं एंड बेस रेडियस 6, बेस रेडियस कितनी है, तो बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसको भी लिख दिया। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड, आपको क्या करना है इसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन सेम हाइट और सेम बेस का रिमूव करना है, यानी समझ रहे ना, यानी कि यहां पर क्या होगा कि इस तरह से एक कोन यहां पे रिमूव हो जाएगा, यू ऐसे
इस तरह से आपने कोन जो है वो इसके अंदर से क्या कर लिया, रिमूव कर दिया। अच्छा जी, ये सर जी कोन रिमूव हो गया, तो अब हमारा सिलेंडर रह गया केवल इतना। समझ गया नहीं समझे? क्योंकि ऊपर से किसी ने क्या किया, उतना कोन जो है वो रिमूव कर दिया। अब कैसे रिमूव कर दिया भाई? मान लो ये सिलेंडर नहीं आइसक्रीम है और एक ग्लास में भरी हुई है, ग्लास का शेप भी बिल्कुल आइसक्रीम के शेप का है, और अब क्या हुआ इसके अंदर एक कोन धस दिया गया। जब कोन इसके अंदर धसा दिया गया तो वो जो कोन था उसने ऐसे करके एक शेप बना लिया, तो वो जो है ना हिस्सा वो खाली हो जाएगा। तो अब इस तरह से बाकी हिस्से में आइसक्रीम रह जाएगी, तो बाकी हिस्से का वॉल्यूम निकालना होगा। अभी बात समझ में आएगी नहीं है, तो चलिए बाकी हिस्से का वॉल्यूम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सवाल ने किया वही हम करेंगे। मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच। हाँ सर, और इसमें से कोन हटा दीजिए, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जी सर, हटा दिया मैंने, कितना बच गया भैया? ये 1 पाई आर स्क्वायर एच है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। समझो बच्चों, 3 × 1 = 3, ये 3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ये 1 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3 आएगा। तो वॉल्यूम यहां से निकालोगे तो 2/3 लिखोगे, पाई लिखोगे अपॉन इनटू में आर स्क्वायर है, आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर बोलो 36, हाइट कितनी है 4, यहां पे ऐसे 4 नहीं है सर, 14 हाइट है। अच्छा 14 हाइट है, 14 लिख देना, 7 × 2 = 14 काट देना, 3 से डिवाइड करना, 3 × 3 = 2। अब समझो भैया, 12 × 2 = 24, 24 × 2 = 48, 48 × 22 करोगे तो 48 × 2 कितना होता है 96, 960, और फिर 48 × 2 = 96 हो जाएगा, तो 960 + 96 कितना हो जाएगा 1056, मतलब 1056 इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना तुम, ठीक है? मैंने तो ओरली कर लिया, तुम जो है पेन पे कर लेना, एक बार ऐसे चेक नहीं, ठीक है? तो इस तरह से वॉल्यूम आ गया रिमेनिंग सॉलिड का। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो भैया शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे सामने है। तो इसमें कहा गया है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर इज डग 21 मीटर डीप। यानी कि एक वेल है, वेल का मतलब समझते हैं कुआं, तो कुआं है, चलिए एक कुआं बना लेते हैं सबसे पहले। अब वेल, वेल ये हमने वेल बना ली, सिलेंडर शेप वेल बना ली। वेल जो है उसका डायमीटर 4 है, भाई डायमीटर का मतलब होता है ये, तो ये आपकी 4 है, और बोलते हैं 21 मीटर डीप। अब 21 मीटर डीप का मतलब समझ रहे हैं, मतलब अगर आपकी जमीन ये है, लड़के यहाँ पे खेलते हैं इस जगह पे, तो जमीनी स्तर से 21 मीटर नीचे जाने पर आपको कुआं इतनी गहराई तक खुदा हुआ मिलेगा। बात समझे, इतनी गहराई तक आपको कुआं खुदा हुआ मिलेगा। पहले बताइए इतनी बात क्लियर है, ठीक? आगे बढ़े, आप समझो आगे बोला गया है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, जो इसकी खुदाई से मिट्टी निकली है, Has been spread evenly all around it. इस मिट्टी को इसके चारों ओर स्प्रेड करो। अच्छा, in the shape of circular ring. एक रिंग की शेप है भाई, रिंग तो जानते हैं आप, ऐसा फिर ऐसा, इसको रिंग बोलते हैं, इसमें उंगली जाती है। तो ये रिंग है, तो रिंग के शेप में बाहर आप मिट्टी को स्प्रेड करें, आप समझ रहे हैं ना? तो ऐसा कुछ जो है आपकी मिट्टी इस तरह से, मैं बताता हूँ अभी, ऐसा कुछ मिट्टी जो है आपकी लग जाएगी। बहुत बढ़िया सा ट्राई मारते हैं आपको समझाने का, गजब एकदम तरीके से, बिल्कुल जो एक एक बच्चे को समझने आना चाहिए। चलो ये देखो, तो ये ठीक है, और फिर ये, और फिर ये, तो भैया ये लगा दिया हमने रिंग शेप में, मतलब बीच में ये कुआं है, ठीक है? लड़के जो है इस सीढ़ी होगी यहाँ पे, जिससे लड़के ऊपर चढ़ के आते होंगे, ठीक? और फिर यहाँ पे आकर इस तरह, ठीक? और फिर यहाँ से ऐसे डोरी लटकाते होंगे, और फिर इस डोरी से इस तरह से पानी जो है यहाँ, मतलब रस्सी जाती होगी ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये जमीनी लेवल को क्रॉस करती होगी, फिर अंदर आती होगी, और फिर यहाँ पे आकर के इस तरह से बाल्टी टकती होगी, और इसमें भरा हुआ पानी जो है वो इसके अंदर भरता होगा। तुम्हें समझ में आया सवाल की नहीं? समझ में आया कि जो यहां से मिट्टी निकली उसको इन्होंने क्या किया, बाहर जो है लगा दिया इन द फॉर्म ऑफ एम्बैंकमेंट। इसको क्या बुलाते हैं? एम्बैंकमेंट। बच्चों ये बहुत सवाल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एम्बैंकमेंट के रूप में इन्होंने यहाँ पे मिट्टी लगा दी। अब हमें क्या करना है वो भी हम अभी सवाल में पढ़ लेंगे। चलिए खैर, ये एम्बैंकमेंट के रूप में मिट्टी लग चुकी है, बहुत बढ़िया बात, और रस्सी जो है इस छेद में से अंदर गई है और नीचे जाकर के पानी लेके आई है। आगे पढ़ते हैं सवाल को। बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, कह रहा हाइट बताओ एम्बैंकमेंट की, यानी ये जो हाइट है ये बताओ कितनी ऊंचाई तक आपने रिंग शेप में एम्बैंकमेंट बनाया है, और कुछ बताया क्या? बोलते हैं द विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट इज 3 मीटर,
यानी ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी विड्थ इन्होंने दे दी कितनी, बोला है ये 3 मीटर विड्थ है, कितनी मीटर है 3 मीटर, यानी ये जो एम्बैंकमेंट की विड्थ है ये समझ रहे ना, ये विड्थ ये चौड़ाई ये कितनी दी है 3 मीटर की दी है। अच्छा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हमको निकालनी है। कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें कुएं से मिट्टी निकाली गई है और उससे आजू बाजू एम्बैंकमेंट बना दिया गया, आपको क्या करना है, आपको जो अर्थ निकली है यानी कि जो मिट्टी निकली है उसी से तो एम्बैंकमेंट बनेगा, तो आपको अर्थ की मिट्टी और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम दोनों बराबर कर देना है। क्या सीखा आपने कि जब भी कुएं की खुदाई से जो मिट्टी निकलती है उससे एम्बैंकमेंट बनाया जाए, तो इस सवाल में कुछ नहीं सोचना, अर्थ जो निकली है उस अर्थ का वॉल्यूम और जो एम्बैंकमेंट बनाया है उसका वॉल्यूम बराबर कर देना। अब अर्थ का वॉल्यूम कैसे निकलेगा तो ध्यान समझिएगा, अर्थ का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो अर्थ तो इतने हिस्से से निकाली गई ना, ये इतने हिस्से से अर्थ निकाली गई है, तो ये जो बेटा इतना हिस्सा है ये तो जमीन के नीचे है ना और ये सिलेंडर शेप में है, तो इसका तो वॉल्यूम जो होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है जो हमने रख दिया। अच्छा जो रही बात एम्बैंकमेंट की, तो एम्बैंकमेंट जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो एक हॉलो सिलेंडर है, एम्बैंकमेंट क्या है एक प्रकार का हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई, एक तो जैसे हॉलो सिलेंडर कोई ऊपर से देखेगा तो उसको ऐसा दिखेगा हॉलो सिलेंडर, ठीक है, जबकि होता हॉलो सिलेंडर नीचे तक है गहराई तक है, ठीक इस तरह से। अच्छा खैर ये होगी आउटर रेडियस, ठीक, और ये होती है इनर रेडियस, खैर इतनी बात क्लियर है अब समझना। लेकिन यहाँ पे बताया गया ये जो गोल गोल दिख रहा है इतनी, ये बोल रहे ये चौड़ा कितना है 3 मीटर चौड़ा है। अच्छा जी अब आगे समझिएगा, अब अगर हमको होलोस्फीयर यानी एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो होलोस्फीयर बोल रहा हूँ सॉरी होलो सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर एक तो हम पहले तो पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम लिख देंगे, हमने कहा लिख दिया पाई आर ओ स्क्वायर एच, सर आर ओ क्या है आर ओ मतलब आउटर रेडियस है बाहर तक, जो पूरा ले रहे हो तो बाहर तक लोगे ना, और फिर सर उसमें से अंदर का वॉल्यूम घटा देंगे, अंदर का मतलब ये वाला वॉल्यूम वैकेंट स्पेस का घटा देंगे, तो फिर बचेगा क्या, बचेगा सर फिर ये जो मिट्टी मिट्टी है बाहर जिससे एम्बैंकमेंट बना है वो बच जाएगी। अच्छा जब सर अंदर का निकालोगे तो पाई आर आई स्क्वायर एच रखेंगे, बात समझ में आ रही है ना, तो इतना करने के बाद क्या करोगे पाई कॉमन लोगे। अच्छा ये जो एच है ये मैं बदल दे रहा हूँ क्योंकि हाइट एम्बैंकमेंट की, पाई कॉमन ले लेना एच भी कॉमन ले लेना, आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर बचेगा और ये बाहर एच लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे लग जाएगा, पाई पाई चुका देना। अब आर यानी रेडियस ही किसकी थी अर्थ की, अर्थ जिससे निकाली गई उसका डायमीटर 4 मीटर था, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर हाइट हाइट ऑफ अर्थ कितनी थी 21, इसके बाद हमने कहा आर ओ स्क्वायर, आर ओ क्या आउटर रेडियस है छोटा अंदर से लेके बाहर तक का, अब अंदर से लेके बाहर तक का देखा जाए तो भैया हमको इतनी तो पता है 2 है सर, है ना, इतनी पता है कि सर 2 है, अब जो है बाहर तक का अगर आप देखोगे तो सर ये 3 और लग जाएगी बाहर, 3 ये और लग जाएगी और अंदर की 2, तो सर टोटल 5 हो जाएगी। अब 5 अगर हो जाएगी 3 ये बाहर की और अंदर की 2, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा सर, और आर आई स्क्वायर गया सर आर आई केवल अंदर की, तो सर 2 का स्क्वायर 4 हो गया सर, ये एच लगा दिया। अब एच बराबर हमने निकाल लिया तो हमने कहा 4 × 21 कितना होता है 4 × 8 84 होता है 84 होता है 25 में 4 गए 21, इसको नीचे जब भेजेंगे आप तो ये इसको डिवाइड करेगा 4 टाइम, तो इस तरह से 4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो मेरी बात को याद रखना, जब भी सिलेंडर से मिट्टी निकाली जाएगी ना बेटा, तो सिलेंडर से निकली मिट्टी का वॉल्यूम और बाहर बने एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम बराबर कर देना। और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, इस चीज में अटकने के चांस है तो इसको भी कसके तैयार कर लेना कि एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एम्बैंकमेंट यानी हॉलो सिलेंडर, और उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले पूरा वॉल्यूम ले लेंगे सर बाहर वाले को मान करके, बाहर वाले सरफेस को मान करके एक सिलेंडर मान करके वॉल्यूम ले लेंगे, फिर अंदर वाले सरफेस को मान करके एक सिलेंडर मान के वॉल्यूम ले लेंगे, और फिर उसको घटाएंगे तो केवल मिट्टी का वॉल्यूम बचेगा, इस तरह से सवाल होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो चलो भाई अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे में। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने ये रहा, ठीक है तो समझिए भैया क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 150 स्फेरिकल मार्बल्स हैं। अच्छा भैया 150 स्फेरिकल मार्बल है, ऐसे मार्बल कितने हैं 150 है, चलिए ईच ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, हर एक मार्बल की डायमीटर कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, आप चाहें तो मल्टीप्लाई 2 करके स्पीड या मल्टीप्लाई जो भी आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है तो 150 मार्बल्स हैं सबकी डायमीटर इतनी है, आर ड्रॉप्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, इतने 150 मार्बल जो है वो टोटल उनको हम एक सिलेंड्रिकल वेसल में डालेंगे, तो भैया सिलेंड्रिकल वेसल तो बनाते हैं फटाक से, ये सिलेंड्रिकल वेसल हो गया भैया, तो ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल वेसल, चलिए बहुत बढ़िया बात है, इनके अंदर ऐसे 150 मार्बल पड़ेंगे, बहुत बढ़िया बात है। कह रहे हैं इस सिलेंड्रिकल वेसल की डायमीटर 7 है, लो भाई इस सिलेंड्रिकल वेसल की डायमीटर कितनी है 7 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया आगे, ठीक है इस तरह से ये मार्बल 150 जाएंगे कि इसके अंदर का जो मतलब ये जो मार्बल है पूरी तरीके से इसके अंदर डूब जाएगा, ऐसा बोला गया है, बोला गया है कि कंटेनिंग सम वाटर, इसके अंदर कुछ वाटर है,
एंड आर कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, और ये जो मार्बल्स है 150 मार्बल ये पूरी तरीके से इसके अंदर इमर्स हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? 150 मार्बल है, ईच ऑफ डायमीटर इतना, आर ड्रॉप्ड इन अ सिलिंड्रिकल वेसल, इस सिलिंड्रिकल वेसल में इनको ड्रॉप किया जा रहा है, सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर इतना कंटेनिंग सम वाटर, एंड आर कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, और ये जो मार्बल है कंप्लीटली डूब जाते हैं पानी के अंदर इस सिलिंड्रिकल वेसल में। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द सिलिंड्रिकल वेसल, तो बताओ जब ये मार्बल अंदर गए होंगे तो पानी उठा होगा ऊपर की ओर। भाई सुना नहीं आपने कि एक ग्लास में पानी, उसमें कंकर डालोगे तो पानी ऊपर उठेगा, और कंकर डालोगे पानी और ऊपर उठेगा, ठीक है ना? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है, कोई बॉल अगर पानी में गिरेगी तो जितना वो पानी में इमर्स होगी वो उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर की ओर डिस्प्लेस करेगी। तो यानी कि जैसे आपने एक मार्बल गिराया तो उस मार्बल का जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम इस सिलेंडर के अंदर रेज करेगा, फिर आपने दूसरा मार्बल गिराया तो और वॉल्यूम रेज करेगा, फिर तीसरा गिराओगे तो और वॉल्यूम रेज करेगा। मान लो सिलेंडर बहुत लंबा है लेकिन इसमें जो है वॉल्यूम जो रेज किया, मान लो एच हाइट तक रेज किया, सिलेंडर बहुत बड़ा है, सिलेंडर बहुत लंबा ऊपर तक गया, लेकिन जब आपने मार्बल डाले तो धीरे धीरे पानी बढ़ता गया ऊपर की ओर, और कहां तक पहुंच गया? एच हाइट तक पहुंच गया। अब आपसे बोलते हैं कि ये बताओ कि एच हाइट कितनी होगी, फाइंड द राइज ऑफ लेवल ऑफ वाटर। तो बहुत आसान है, आर्किमिडीज ने कहा था कि जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर गिरती है तो वो अपने वॉल्यूम जितना होता है उसका खुद का उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करती है। यानी कि जब 150 मार्बल गए होंगे तो मान लो एक मार्बल का वॉल्यूम अगर वी है और 150 मार्बल्स हैं तो 150 इनटू वी कर देते हैं वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम ऑफ मार्बल जब इस ग्लास के अंदर गया होगा, इस सिलेंड्रिकल ग्लास के अंदर गया होगा, तो इसने इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर की ओर उठा दिया होगा। अब चूंकि पानी ग्लास में है तो जो पानी ऊपर की ओर उठेगा उस पानी का शेप भी ग्लास की शेप में होगा, यानी सिलेंडर की शेप में होगा। तो यानी कि जो पानी ऊपर उठने वाला है वो वॉल्यूम जो ऊपर उठने वाला है उसका शेप सिलेंडर का होगा। अच्छा जी, इतनी बात क्लियर है। और जितने हमने 150 मार्बल डाले हैं उनका टोटल वॉल्यूम और जितना पानी राइज किया सिलेंडर में वो वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, क्योंकि आर्किमिडीज ने कहा था। तो 150 ये लिख लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ मार्बल कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ मार्बल होता है 4/3 πr³। अब इसकी रेडियस कितनी होगी भाई बताओ? तो 0.7 ही तो होगी। अब 0.7 का क्यूब ऐसे करके लिख देना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो πr²। अब सर इसकी रेडियस कितनी होगी? इसकी रेडियस होगी 7/2। 7/2 यहां लिख देना, और r² होता है और h होता है। देखो मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, h निकालना है, मैंने डायरेक्ट लिखा है, मैंने फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करी, तुम मत करना, तुम पहले πr²h लिखना और यहां पे 4/3 π के आगे r³ लिखना, फिर आंसर करना। पाई पाई ऐसे उड़ा देना, ठीक है बच्चा, 3/5 = 15 उड़ा देना, 4/5 = 20 होता है, ये 200 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा है तो यहाँ पे 3 डिजिट के पहले पॉइंट लग गया। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये आपका एच आ चुका है। अब आप यहाँ से एच निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 to 800 × 3.4 0.343 ऐसे करके लिख लीजिए इसको, अपॉन में 49 को भेज दीजिएगा, पॉइंट हटा दीजिएगा, नीचे कितने 0 बढ़ेंगे? 3 बढ़ेंगे, 2 तो उड़ा ही दीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद इसको 7 से काटना, 49 टाइम जाएगा, मैं सीधे बताऊं 49 से इसको काट देना 7 टाइम जाएगा, 7 8 से कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, बट अपॉन में 10 बचेगा, और फिर आप हाइट लिख दोगे कि भैया इतना पानी रेस किया है। बहुत सिंपल सवाल है, और इस तरह से एग्जाम में करके आना, थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन कर देना, लेट स्मॉल वी बी द वॉल्यूम ऑफ मार्बल, कैपिटल वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ sphere is equal to 4/3 πr³। Now according to question 150 into volume of sphere is equal to volume of cylinder, ऐसे करके पूरा put करना, तब अच्छे से सवाल समझ में आएगा जो भी copy व्यक्ति check करेगा। इतनी बात clear तुमको नहीं? तो भैया अब next सवाल पे आते हैं। तो next सवाल आपके सामने जो है इसमें बोला है what will be the volume of the largest right circular cone। तो कहने लगे largest right circular cone का volume क्या होगा? That can be put, that can be cut from a cube, जो कि क्यूब में से काटा गया है। देखो ये एक क्यूब है, मैंने पहले से फिगर बना दिया, इसीलिए पहले एक क्यूब है, इस क्यूब में से आपको एक कोन काटना है, और वो जो कोन होना चाहिए वो लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन होना चाहिए, मतलब कि इससे बड़ा कोन आप इस फला क्यूब में से नहीं काट पाओ, ये मैक्सिमम साइज का कोन हो, ऐसा कहा गया है। तो जब भैया हमने आपको बताया जब भी मैक्सिमम साइज का स्फीयर या मैक्सिमम साइज का कोन आपको काटना हुआ करे, तो अगर स्फीयर काटना है तो स्फीयर का डायमीटर और क्यूब की एज बराबर हो, अगर कोन काटना है तो कोन के बेस का डायमीटर और क्यूब की एज बराबर हो। तो यहाँ पे क्यूब की एज आपको दी गई है सवाल में,
कितनी दी गई है, 4.2 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको जो है ऐसे लिख लेंगे कि डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, ठीक है। अब डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ यानी 2.1 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला क्या गया सवाल में, सवाल में हमसे क्या बोला गया, वो बोलता है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब वॉल्यूम होता क्या है भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, चलिए हमने 1/3 रख दिया, पाई भी रख दिया, 22/7, रेडियस 2.1 है, 2.1 रखना फिर उसका स्क्वायर करना, 4.41 आ जाएगा। अच्छा इनटू में हाइट आ जाती है, अब हाइट कितनी होगी सर, तो उसकी जो हाइट होगी वो भी क्यूब ऑफ, वो भी एज ऑफ क्यूब के बराबर होगी, यानी कि 4.2 होगी। चलिए भैया तो हाइट हम 4.2 रख देते हैं, इतना तो समझ में तुमको आ ही रहा होगा। तो 7 × 0.6 ऐसे करोगे तो 4.2 होगा, पॉइंट हटाना नीचे दो जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट हटाना एक और जीरो बढ़ेगा, 3 से काट देना 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 2 को मत काटना, काम करो 2 रहने दो। अब 2 × 22 कितना होता है, 44 होता है, इनटू में 441 आ गया, अपॉन में कितना हो गया 1, 2, 3 आ गया, वॉल्यूम निकालना है। अब 44 × 441 करो, 44 × 44 कितना होता है, 1936 1930 1930 ये हो गया, 244 हो गया, जो 6 4 10 4 1 9 4 0 4 1 9 4 0 4 ये लिख दिया, अपॉन में है 1000 1000 ये लिख दिया, वॉल्यूम आ गया 3 डिजिट पहले का 404 और ये पॉइंट और ये 19 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। समझ में आया कि नहीं आया, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो चलो भाई हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आपका जो है सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वाला कहता है अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। अच्छा जी, एक बिल्डिंग जो है वो सिलेंडर के फॉर्म में, बहुत बढ़िया, पहली बार देख रहे हैं, हमारे घर वर तो ऐसे नहीं होते। अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, चलिए एक बिल्डिंग सिलेंडर के फॉर्म में, आगे बढ़ते हैं। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर डोम, देखो तुमको पहले भी समझा चुका हूं, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर डोम, तुम ऐसे समझो ना, सरमाउंटेड यानी सर के ऊपर माउंट किया, तो सिलेंडर का सर ये इसके ऊपर माउंट किया है, तो सरमाउंटेड, और बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम यानी हेमिस्फेरिकल डोम द्वारा सरमाउंट किया गया, यानी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा फिगर दिख रहा है मेरे को तो सामने अपने, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बोला गया है द बेस डायमीटर ऑफ द डोम, जो डायमीटर है बेस की, इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल हाइट, ये जो है 2/3 होगी किसके, टोटल हाइट की। अब टोटल हाइट क्या होगी, तो भैया जितना डायमीटर इसका है उसका आधा ये रेडियस होगी इनकी, भाई डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, तो रेडियस ऑफ डोम क्या होगी, d/2। अब d/2 रेडियस ऑफ डोम हो गई, चलिए अच्छी बात है, ठीक है, बढ़िया बात है भैया। और इसकी हाइट को मान लेते हैं स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक है। तो d तो हमने लिख दिया यहाँ पे और 2/3 लिख दिया, और कैपिटल h का मतलब तो हम समझ रहे हैं कि h और d/2 का सम, तो h और d/2 का सम, चलो भैया इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब कहता है d इक्वल टू 2/3 अंदर मल्टीप्लाई करो, और फिर 2/3 को जब d अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करोगे, भाई यहाँ पे क्या है d अपॉन 2, तो 2/3 और जब d/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो स्मॉल d बराबर आ जाएगा 2/3 h + d/3। फिर क्या करोगे तुम, फिर यहां से जब 2/3 h निकालोगे तो वो हो जाएगा d - d/3, तो d - d/3 कर देना, तो 2/3 h कितना आ जाएगा 3d - d यानी 2d/3। इस तरह से 2 और 2 उड़ा देना, 3 और 3 उड़ा देना, तो हाइट और डायमीटर ये दोनों चीजें क्या आ गई, बराबर आ गई। वाह, तो बहुत सही चीज है, मतलब कि जो सिलेंडर की हाइट है वो उसके डायमीटर के बराबर आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, यार फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग बताइए सर, हाइट ऑफ बिल्डिंग मतलब पूरी बिल्डिंग की हाइट बताइए, कैपिटल एच बताइए। अच्छा जी, कहता हाइट ऑफ बिल्डिंग बताइए सर, इफ इट कंटेन 67 होल 1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। अच्छा जी, इन्होंने बोल दिया है कि वॉल्यूम जो है पूरी बिल्डिंग का वो कितना है, 67 होल 1/21 मीटर क्यूब, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, इतना वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम होता क्या पूरे का, तो भैया सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच है, और ये जो डोम लगा है हेमिस्फीयर इसका कितना होगा, इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू में आ जाएगा 67 होल 1/21 मीटर क्यूब, इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से पाई कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा एच प्लस 2/3 और यहां बचेगा आर इक्वल टू में आ जाएगा 67 होल 1/21। देखो अगर तुम्हारा इतना नोट हो गया तो मैं इतना हटाना चाहता हूँ, ठीक है, तुम देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, अब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा एच और डी बराबर आ गए थे, हमको इतना ध्यान है, चलो आगे भी ये बढ़ते हैं। तो हमने क्या सर आगे देखा, तो सर पाई लिख दिया और आर स्क्वायर क्या होगा सर, आर होगा d/2,
तो डी बाई टू तो डी स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा। सर हाइट कितनी, हाइट भी डी है, टू बाई थ्री लिख दिया सर, आर की जगह डी बाई टू लिखेंगे सर, लिख दिया भैया, आगे बढ़ जाते 67 होल 1 बाई 21 तो 67 इंटू 21 कितना हो जाता 60 120, 7 14 134 ये हो गया, एक जीरो लग गया 67, ये हो गया तो कितना हो गया 1340 प्लस 1407 1407 मतलब कि 1407 मतलब 1407 उसमें 1 जोड़ोगे 1408 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 21। इतनी बात तो तुमको क्लियर हो गई होगी। अब पाई लिख दिया, डी स्क्वायर अपॉन 4 लिख दिया, अच्छा पाई की वैल्यू भी लिख दे रहा हूं यहां पे 22 अपॉन 7 लिख दिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा डी अपॉन 3, तो डी अपॉन 3 बचेगा डी प्लस डी बाई 3। अब भैया डी प्लस डी बाई 3 कितना होता है 3 इंटू डी 3D, 3D प्लस डी 4D, तो 4D अपॉन 3 है ना ये, तो 4D अपॉन 3 मैं लिख दे रहा हूँ, तुम डायरेक्ट मत लिखना बेटा, अगले पेज पर मतलब अगली लाइन में लिखना, ठीक है अगले पेज पर नहीं अगली लाइन में लिखना, ये जो 4 है ये 4 इस 4 से कट गया, और समझना सर 7 इंटू 3 कितना होता है 21, वो 21 जब ऊपर जाएगा तो वो भी इससे कट जाएगा, इतनी बात क्लियर है। अब समझना डी स्क्वायर इंटू डी कितना होता है बेटा डी क्यूब होता है, इक्वल टू में सर क्या दिख रहा है 1408 दिख रहा है, और ये क्या सर 22, इसको नीचे भेज दीजिए सर, भेज दिया चलो तुम कह रहे हो भेज दिया, इसको देखिए सर डिवाइड करके तो 2 1 2 1 कट जाएगा, और देखो 2 7 14 2 0 0 2 4 8 11 से काट लो 11 6 11 4 तो डी क्यूब इज इक्वल टू 64 आ गया। अब 64 क्या होता है बेटा 4 का क्यूब होता है ना, तो डी क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब है, तो क्यूब क्यूब उड़ा तो डी कितना आया 4, तो 4 सेंटीमीटर क्या आ गया डायमीटर आ गया, किसका डायमीटर आ गया सर इस सिलेंड्रिकल पाइप का आ गया। हमको क्या पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, सर पूरे बिल्डिंग की हाइट पूछी थी ना आपने, पूरे बिल्डिंग की हाइट तो थी सर स्मॉल h थी और प्लस में कितना था d/2, ये पूरे बिल्डिंग की हाइट थी ना सर, तो कैपिटल h जो है, अच्छा स्मॉल h सर d के बराबर निकला था, अच्छा जी d plus d/2 कितना हो गया सर 3d/2 हो गया, और d की जगह अगर आप 4 रखोगे सर तो ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 3 जा जाएगा 6 और 6 सेंटीमीटर पूरे बिल्डिंग की हाइट, ऐसे आता है आंसर। चलिए भैया नेक्स्ट पे आते हैं, तो चलिए भैया अब कर लेते हैं डेंसिटी बेस्ड सवाल, आपके सामने सवाल ये रहा मैं करने जा रहा हूं तो ध्यान सुनिएगा, ये एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा कहा जा रहा है कि सर एक सॉलिड आयरन पोल है कंसिस्टिंग ऑफ सिलेंडर, अच्छा आयरन पोल है और किस शेप में सिलेंडर शेप में, अच्छा आगे बढ़ते सिलेंडर की हाइट है सर 220 सेंटीमीटर बहुत बढ़िया, सबसे पहले सिलेंडर की हाइट बना लेते हैं भैया, ये सिलेंडर बना गया और ये सिलेंडर की हाइट हो गई और कितनी हो गई 220 सेंटीमीटर, ठीक है भैया इतनी बात तो क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, बेस की जो डायमीटर है वो कितनी 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60, इसके ऊपर सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब सिखाया था ना एक शॉर्ट ट्रिक सीखने की, सर पे माउंट मतलब इसके ऊपर है सरमाउंटेड, और बाय क्या बाय अनदर सिलेंडर, अच्छा इसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर है ठीक, उसकी हाइट 60 और उसकी रेडियस 8 है, इसकी रेडियस कितनी बेटा तो इसकी रेडियस है सर 12, अच्छा और जो इसके ऊपर उसकी रेडियस क्या है 8 है, अच्छा तो इसका मतलब है कि वो इससे पतला होगा सिलेंडर। चलो भैया ऐसे करके सिलेंडर बनाओ, थोड़ा सा बोर्ड पे हो सकता है टेढ़ा बन रहा हो, तुम कहानी समझो मैं ठीक है। खैर तो ये भैया आपका जो है ये ऐसे ये सिलेंडर है ठीक है, इसके ऊपर है, अच्छा जी आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा है सर जो आपने सिलेंडर इसके ऊपर माउंट किया उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, ओके 60 सेंटीमीटर की हाइट हो गई, बढ़िया से स्केल स्केल लेके डायग्राम बनाना पेपर में ठीक है, रेडियस 8 है, अच्छा जी तो रेडियस हो गई 8, तो रेडियस हो गई 8 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट, अच्छा हाँ क्या बताया फाइंड द मास ऑफ पोल, भैया पोल ये है ये याद रखना, पोल ये है क्योंकि सवाल में बोला गया था कि सॉलिड आयरन पोल है और कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर और हाइट इतनी बेस डायमीटर इतना, विच इज सरमाउंटेड मतलब पोल इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ठीक है, तो हमको मास ऑफ पोल निकालना है और गिवन है कि 1 क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 क्यूब ऑफ आयरन जो है ठीक है उसका मास कितना है, मास है उसका 8 ग्राम, ये जो चीज दी जाती है बेटा ये एक्चुअली में डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी यहाँ पे आयरन की दी गई है कितनी दी गई है 8 ग्राम और वो भी कैसे पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी होती है ठीक है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, अच्छा जी मास अपॉन में क्या होता है वॉल्यूम होता है, अच्छा जी हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा है मास, तो मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम कर देंगे, बहुत अच्छी बात है वेरी वेरी गुड। अब सर वॉल्यूम हमको बस निकालना है, अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे,
सर पोल तो केवल इतना है, ऐसा ही बोला है ना, पोल केवल इतना ही बोला है ना, पक्का है। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर एंड अ बेस व्हिच इज माउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर। भैया इन्होंने क्या किया है ना, पोल पूरा लिया है इन्होंने, पोल इसको भी लिया और इसको भी लिया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अच्छा जी, तो पोल अगर ये पूरा ले रहे हैं तो फिर वॉल्यूम जो होगा वो पूरे का कंबाइंड होगा ना। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका होगा सर पाई आर वन स्क्वायर एच वन, और इसका कितना होगा, इसका होगा सर पाई आर टू स्क्वायर एच टू। चलो ठीक है लेते हैं भैया, तो मास यहां से निकालो, तो मास कैसे निकलेगा, तो मास निकलेगा 8 मल्टीप्लाई पाई कॉमन ले लेना, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आर वन स्क्वायर एच वन प्लस आर टू स्क्वायर एच टू, ऐसे करके लिख लेना, और फिर मास यहां से निकाल लेना 8 इंटू में पाई की वैल्यू दी गई सवाल में 3.14। आर वन कितना है, आर वन मतलब पहले वाले की रेडियस, पहले वाले की रेडियस कितनी है सर 12 12 का स्क्वायर लिख देना हमें 144, हाइट पहले ले कितनी 220 सेंटीमीटर 220 ये लिख देना, और प्लस में R2 आ जाना। अब R2 क्या है, ऊपर वाले की रेडियस, ऊपर वाले की रेडियस कितनी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ऊपर वाले की हाइट कितनी 60 है, 60 यहां पे लिख देना ऐसे करके। अब 8 इनटू में कितना हो गया 3.14 मल्टीप्लाई में 144 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, तो 144 इनटू 2 कितना होता है 288 होता है, 288 और एक जीरो, और 288 इसमें जोड़ देंगे हम, तो 8, 8, 16, 6, 11, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 31680, और प्लस में इसको मल्टीप्लाई करो 6, 4, 24 क्या लगेगा 2, 6, 36, 37, 38, 3840 ये आ गया। अब 8 मल्टीप्लाई में 3.14 मल्टीप्लाई में इनको अगर हम जोड़ ले तो 0, 8, 4, 12 का 2 कहने लगा, 1, 8, 1, 9, 9, 10, 5, 15 का 5 कहने लगा, 1, 3, 1, 4 और 1, 5 35520, और अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पड़ेंगे 2 जीरो, उसमें से एक हम काट देंगे, समझ रहे ना, एक हम काट देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 8 है ऊपर क्या है 314 है, ऊपर क्या है 355, ये 2 है, अपॉन में कितना है 10 है, अरे भाई साहब अब इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा आपका ग्राम में, किसमें आंसर आएगा ग्राम में आंसर आएगा। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 इंटू 314 8324 हो गया 2400 हो गया, और 2400 कितना हो गया 8432 कर 3919 2400 और 112 तो 2512 तो ये आ गया, तो 8 इंटू 314 करोगे तो 2512 आएगा। अब इसको 3552 से मल्टीप्लाई करना है, 3552 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो करो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो फटाफट करो, 2 2 4 हो जाएगा 2 5 10 10 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 का 2 कर लेगा 1 और 2 5 10 और 5 5 2 10 10 20 20 प्लस 5 25 25 और प्लस 1 20 26 का 6 कर लेगा 2 5 25 26 27 27 और प्लस 28 29 31 32 का 2 कर लेगा 3 और फिर ये कितना हो जाएगा 8 ये 9 हो गया और ये कितना 8 8 9 2 6 2 4 है ना, नहीं 8 9 2 2 6 4 तो ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने में 8 9 2 2 6 2 4 ठीक है, अकाउंट में आ रहा है 10, अरे यार बहुत बड़ा आ रहा है, बच्चे कैसे करेंगे हमारे, ठीक है कर लेंगे ना पक्का है, अकाउंट में 10 है तो 1 डिजिट पहले पॉइंट लगाओ 8 9 2 2 ठीक है 6 2.4। अच्छा जी अब समझना भाई बात को ध्यान से, ग्राम में आया, अगर केजी में निकालना क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे और फिर मास निकालोगे 3 डिजिट पहले पॉइंट लाओगे 8 9 2.2 6 2 4। अब जल्दी से अपनी एनसीईआरटी चेक करो, ये 13.2 का सवाल है ठीक है, मिलाओ जल्दी से फटाफट आपके आंसर क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, लिखा है अ कॉपर रॉड, अच्छा जी कॉपर रॉड है ठीक है, और कॉपर की जो रॉड है, चलिए भाई कॉपर की रॉड बना लेते हैं, सबसे पहले रॉड होती है सिलेंड्रिकल, ये रॉड होगी, कह रहा है अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर बना लो 1 सेंटीमीटर, भैया बना लिया, एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर, भैया लेंथ 8 सेंटीमीटर बना लो, भैया बना लिया, इज ड्रॉन इनटू अ वायर, इसको जो है दाब दाब के पीट पीट के इससे एक वायर बनाएंगे, लो भैया इसको कन्वर्ट कर दिया वायर में, तो ये हो गया कन्वर्ट, किसमें वायर में कन्वर्ट हो गया, अच्छा जी बहुत बढ़िया बात है, ये वायर में कन्वर्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं, वायर सही से थोड़ा बना ले, ये वायर ये आ जा 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 हाँ ठीक, तो वायर में आ गया भैया, तो ड्रॉन इनटू अ वायर, ठीक वायर ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, तो इस वायर की लेंथ कितनी बेटा, इस वायर की लेंथ है 18 मीटर, अच्छा जी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, हाँ तो इसकी जो मोटाई है यानी इसकी जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म है ऊपर से नीचे तक, हमें इसकी डायमीटर निकालनी है, तो भैया क्या हुआ इसने एक सिलेंड्रिकल रॉड थी उसको एक सिलेंड्रिकल वायर में बदल दिया, तो जो रॉड का वॉल्यूम होगा वही वायर का वॉल्यूम होगा, ऐसे केस में हमने यही सीखा है,
तो रॉड का वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, और वायर का वॉल्यूम कितना होगा पाई आर डैश स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे लिख देना यहाँ पे पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, ये काट देना। इसकी रेडियस कितनी होगी वन की हाफ, तो वन का हाफ कितना होता है वन बाई टू, और वन बाई टू का स्क्वायर करोगे वन बाई फोर हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी एट है, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं आर स्क्वायर तो लिख दिया हमने। इसकी हाइट कितनी, इसकी हाइट तो सर 18 मीटर, तो यहाँ पे मैं 1800 लिख दे रहा हूँ सेंटीमीटर में, ठीक है भाई 18 मीटर है ना, तो सेंटीमीटर में कितना हो 1800। अब यहाँ से अगर देखें तो ये 4 2 8 चला गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 900 हो गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है सामने 1 है सर, और अपॉन में 900 जाएगा। तो इस तरह से आपकी रेडियस जो आएगी 1/30 सेंटीमीटर में आ जाएगी। और आपसे पूछा गया था यूनिफॉर्म थिकनेस है ना, यानी इसकी डायमीटर, तो डायमीटर क्या होती है 2 times रेडियस, तो 2 times रेडियस करो जरा, तो 2 into r करोगे तो 2 × 1/30 करोगे, तो ये 2 से 15 times काट देना, तो डायमीटर कितनी आ जाएगी 1/15 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड भी कर लो यार, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी डिवाइड करने में, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे ठीक है, और 10 हो जाएगा, और एक और 0 लगा के पॉइंट लगाओगे 10 बढ़ेगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 0 लगा के एक और 0 बढ़ाओगे 100 हो जाएगा, 15 6 90 कर देना, फिर 10 बचेगा, फिर 15 6 90 0.066 सेंटीमीटर, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से थिकनेस है यार, ये भी सरल था, 3 marks में आता है, चलो कोई नहीं अगले सवाल। तो नेक्स्ट सवाल ये भी एनसीईआरटी है, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। तो लिखा है सवाल में अ हेमिस्फेरिकल टैंक, एक टैंक है बच्चों हेमिस्फेरिकल है, अच्छी बात है, मेरे हाथ में बुक है आपको सामने सवाल दिख रहा होगा ना, ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर, वाटर से पूरी तरीके से वो टैंक फुल है। अच्छा जी, टैंक का शेप अभी तक नहीं बताया, बस बताया एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, अरे यार शेप क्या नहीं बताया। तो चलो भाई अब दूसरा सवाल पकड़ते हैं, तो नेक्स्ट सवाल अपना क्या है, तो नेक्स्ट सवाल में बोलता है ये एनसीईआरटी का सवाल है, आप वहां से पढ़ो मैं बुक से रीड करता हूं। लिखा है अ हेमिस्फेरिकल टैंक, एक टैंक है कैसा हेमिस्फेरिकल है, अच्छा जी हेमिस्फेरिकल टैंक है, चलिए कोई ये हो गया हेमिस्फेरिकल टैंक, आगे पढ़ो। लिखा है फुल ऑफ वाटर, पूरी तरीके से पानी से भरा है, इज एम्पटाइड बाय अ पाइप, अच्छा इसको एक पाइप द्वारा खाली करेंगे, तो इसमें एक पाइप लगा है ऐसे करके, ये एक पाइप लगा है इसमें, और इस पाइप द्वारा इसमें से पानी क्या होगा खाली होगा यूं करके, बहुत बढ़िया बात, वेरी वेरी गुड, शाबाश, ठीक इसमें से पानी खाली हो रहा है, एम्पटाइड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर पर सेकेंड। स्पीड पता है कितनी है, पानी खाली होने की स्पीड पता है 3/4/7 लीटर पर सेकेंड, मतलब कि इतना लीटर एक सेकेंड में खाली हो जाता है। चलिए इसका मतलब तो जानते हो, 7 × 3 = 21 + 4 = 25/7 लीटर पर सेकेंड। अच्छा जी आगे बढ़ जाते हैं सवाल में, ठीक है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक, हाफ ऑफ टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा। अब हाफ ऑफ टैंक मतलब इस पूरे वॉल्यूम का हाफ खाली होने में कितना टाइम लगेगा, एक सेकंड में इतना लीटर हो जाता है, तो हम पता कर लेंगे अभी, देखो बहुत आराम से हो जाएगा। अब आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं, इफ इट इज 3 meter इन डायमीटर, इसकी डायमीटर कितनी है 3 meter, तो बहुत सिंपल सवाल है। अब देखो ध्यान से, डायमीटर अगर 3 meter है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 3/2 यानी कि 1.5 meter, क्वालिटी है लेकिन क्वेश्चन में फिर भी जो भी कहूंगा भाई क्वालिटी तो है। अब आगे देख लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना होगा भैया, तो वॉल्यूम होगा इसका 2/3 πr³ होता है, ठीक है लेकिन सर इसने बोला हाफ ऑफ द वॉल्यूम, तो हाफ ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, तो सर हाफ ऑफ वॉल्यूम तो निकालोगे तो 1/2 इतना कर देना, 2 कैंसिल हो जाएगा सर, 1/3 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई की वैल्यू तो आप जानते हो 22/7, लेकिन चलो नहीं रखते थोड़ी देर के लिए, आर कितना है तो आर 1.5 है, यहाँ पे 1.5 का क्यूब करेंगे तो 1.5 का जब आप क्यूब करोगे तो वो हो जाएगा 3.375, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते 3.375 है, 15 का क्यूब होता है ना 3375, 3 digit पहले पॉइंट लगा दिया, पॉइंट हटाया नीचे कितने 1 2 3 3 से काट लिया 3 1 3 1 3 2 3 5, तो ये हो गया 1.125 pi, तो ये हो गया हाफ ऑफ वॉल्यूम, क्या हो गया हाफ ऑफ वॉल्यूम। अभी सर काहे में आया, तो ये आया हमारा मीटर क्यूब में आएगा, किस में आएगा मीटर क्यूब में आएगा, चलिए भाई हमने मीटर क्यूब में यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है इतनी बात तो सबको समझ में आती है ना, नहीं आती बता दो, ठीक आती है चलिए ठीक है, तो इतना हमने मीटर क्यूब में लिख दिया। अब समझो तुमको बताया था 1 liter बराबर होता है 1000 cm³, इतना तुमने पढ़ रखा है ना, और तुमको ये भी पता है कि सेंटीमीटर जो होता है उसको मीटर बदलने के लिए अपॉन में 100 लगाते हैं, सेंटीमीटर का क्यूब है 1 2 3 4 5 6 0 लगेंगे अपॉन में, ये कटेगा ये कटेगा, 1 liter = कितना होता है बेटा 1/1000 m³,
तुमको लग रहा होगा सर आप ये कन्वर्ट करके क्यों बता रहे हैं, डायरेक्ट बता देते है ना, लेकिन बच्चा जानबूझ के बता रहा हूं कि तुमको एक याद करना पड़े और दूसरा तुम टाइम आने पर निकालो, याद तो मुझे हो गया है लेकिन तुम्हें थोड़ी हुआ है, तो इसको याद रखो और इसको टाइम आने पर निकालो। 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब होगा, तो उसको बदलो, 1 सेंटीमीटर होता है अपॉन में 100 मीटर, 3-3 सेंटीमीटर लगे तो 3 बार 100 लिखो और फिर 3-3 जीरो उड़ा दो और 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये इतना आ गया, तो इसका मतलब है सर 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो यह होता है 1000 लीटर। अच्छा जी, तो चलिए अब यहाँ पे हमारा जो मीटर क्यूब में आया, अब अगर हम इसको लीटर में बदले तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 जीरो तो कट जाएंगे, तो हमारा जो आ जाएगा वॉल्यूम, हाफ ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा 1125 पाई लीटर। चलिए तो इतना हमारा हाफ ऑफ वॉल्यूम आ गया, इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा यहाँ पे मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ध्यान समझना। अब 1 सेकंड में सर, 1 सेकंड में तो कहने लगे सर इतना लीटर 25/7 लीटर जो है वो खाली होने में आपको 1 सेकंड लग रहा था सर। अच्छा जी, अब 1 लीटर खाली होने में कितना सेकंड लगेगा, तो सर 1 लीटर खाली होने में लगेगा 7/25 सेकंड। अच्छा, ये 7 ऊपर जाएगा, 7 7 25 नीचे आ जाएगा, तो 1 लीटर खाली होने में इतना टाइम लग रहा है, तो हमारे पास तो सर हाफ ऑफ वॉल्यूम का मतलब इतना लीटर हो गया, इतना लीटर खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1125 लीटर जो है वो खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो 7/25 × 1125 पाई लीटर, इतना है ना, पाई लीटर ऐसे लगाया तो इतना सेकंड लगेगा अपने को, ठीक है। 1125 पाई लेते हो अगर, तो इतना टाइम, इतना लीटर अगर लेते हो तो उसमें इतना टाइम लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई की वैल्यू नहीं रखी थी ना मैंने, अब समझो क्यों नहीं रखी थी, क्योंकि यहां पे रखूंगा तो उससे 7/7 आराम से कट जाएगा। अब 25 5 5 25 कर लेना, 5 2 10 5 2 10 5 5 5 25 फिर 5 से काट देना, 5 4 25 5 5 25, अब क्या 45 × 22 करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 90 900 फिर 990 सेकंड्स हो जाएंगे बेटा, इतने ये आपका आंसर आ जाएगा 990 सेकंड। अब अगर इसको आप मिनट में बदलना चाहते हो तो बदल लो ना, क्या परेशानी है, तो यहां से बदल लो, तो 990 और सेकंड का मतलब होता है 1/60 मिनट, तो भैया ये उड़ा दो, 3 2 6 और 3 3 9 3 3 9, और इसको अगर 33 को 2 से डिवाइड करोगे 2 1 2 2 6 12 2 5 10, तो 16.5 मिनट, इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आ गया, बस ये यहाँ थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने को आ सकता है, तो प्लीज इसको लगाइएगा जरूर, ठीक है, भागिएगा नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिमाइंड करिएगा, देखिएगा, और फिर भी ना समझ में तो कमेंट में लिख देना, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको इस पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन पे एक वीडियो डालूंगा और वो समझाऊंगा आपको, उसमें दोबारा समझाऊंगा इसी सवाल को दूसरे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको समझ में आ गया तो भी कर दीजिएगा, नहीं आया तो भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो भैया अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, इसको भी ध्यान से देखिएगा आप। इसमें लिखा हुआ है कि सर वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप। अच्छा भैया, जब आपको बोला गया वाइड भी है और डीप भी है, इसका मतलब हाइट भी दी है ब्रेथ भी दी है, तो ऐसा कौन सा शेप है जिसमें आपको हाइट भी मिल जाए ब्रेथ भी मिल जाए, तो भैया वो तो क्यूबॉइड है ना, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होती है, तो इसका मतलब है कि जो कैनाल है उसका शेप है आपका क्यूबॉइड। सवाल समझ में आया नहीं है मेरे, तो इतना समझ में आया कि नहीं, पूरा नहीं बोल रहा हूँ, इतना समझ में आया कि नहीं है, एक बार फिर से समझाता हूँ। वाटर इन अ कैनाल, एक कैनाल है उसमें पानी है, अब जो कैनाल है वो 6 मीटर वाइड है, 6 मीटर चौड़ा है कैनाल, ठीक है, एंड वो 1.5 मीटर डीप है, यानी कि वो 1.5 मीटर गहरा है कैनाल। अब सर आपको कैसे पता कि जो उसने तो केवल इतनी लाइन बोली वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, आपको कैसे पता कि ये जो कैनाल है इसका शेप क्यूबॉइडल है। भैया ऐसे कौन सा शेप है जिसमें आपको विड्थ और ब्रेथ, विड्थ और हाइट दोनों दे रखी हो, तो विड्थ और हाइट यानी ब्रेथ और हाइट और लेंथ, तीन चीजें आपकी क्यूबॉइड में तो होती है, इसके अलावा तो किसी में होती नहीं है, तो ब्रेथ और हाइट दो चीजों को देख कर पता लगाया जाता है कि यहाँ पर जो शेप है टैंक का वो क्यूबॉइडल है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है सर कि इसमें से जो पानी बह रहा है वो फ्लो कर रहा है एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, कह रहे इसमें से जो पानी बह रहा है, और इसमें से पानी जो बह रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर पे बह रहा है। अच्छी बात है, तो देखो भैया इसमें से जो पानी बह रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर पे बह रहा है, इसका मतलब है 1 घंटे में इतनी लेंथ ये अगर कवर कर रहा है तो ये लेंथ कितनी होगी जरा बताओगे, तो बताया गया है कि 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ये जितनी लेंथ कवर कर रहा है कैनाल की वो 10 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में अगर मान लो इतनी लेंथ कवर कर रहा है तो इतनी लेंथ कितनी होगी 10 किलोमीटर होगी, इतनी बात क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब उसने बोला गया सवाल में, वो बोलता है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स,
अब बताओ कि वो कितना एरिया इरिगेट करेगा, मतलब इस कैनाल से निकलता वो पानी जो है वो अगर जब यहां से निकलेगा वो पानी, ठीक है, जब वो पानी यहां से निकलेगा तो बताओ कितना एरिया इरिगेट करेगा, ठीक है, कितना एरिया जमीनी स्तर का वो इरिगेट कर देगा। इरिगेट मतलब वो खेत में पानी भर देगा, उसकी सिंचाई कर देगा, तो कितना एरिया वो इरिगेट कर देगा ऐसा हमसे पूछा है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, कितने टाइम में, 30 मिनट में। अच्छा 30 मिनट्स हमको एक टाइम भी दे दिया इन्होंने। अब 30 मिनट का मतलब जानते हो ना कितना सेकंड होता है, 30 मिनट मतलब 3 6 18 और 1 2 1800 सेकंड, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो कितना एरिया वो इरिगेट करेगा 30 मिनट में। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, तो इन्होंने बोला है कि स्टैंडिंग वाटर जो है वो 8 कितना है 8 मीटर 8 मीटर ही है ना 8 सेंटीमीटर अच्छा स्टैंडिंग वाटर कितना 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर मतलब है जो पानी जो भरेगा वो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरेगा। इसका कहने का अर्थ ये होता है कि जो भी पानी इसमें भरेगा वो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरेगा। इतनी बात क्लियर है ना आपको, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरेगा, मतलब इसके अंदर जो खेतों में पानी जाएगा तो खेत में जो पानी जाएगा वो पानी कितनी ऊंचाई तक भरा होगा, जमीन से कितने ऊंचे तक पानी का लेवल होगा, तो 8 सेंटीमीटर तक होगा। अब समझना, अब ये वॉल्यूम ऑफ टैंक की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इन 1 आवर, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इन 1 आवर अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बताओगे, आप कहोगे सर लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब लेंथ कितनी है, तो लेंथ है सर 10 किलोमीटर का मतलब 10,000 मीटर, इनटू ब्रेथ कितनी है सर 6 और हाइट कितनी है 1.5। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा 15 6 19 9 90,000 तो ये वॉल्यूम ऑफ टैंक आया 1 घंटे में। अच्छा बताना जरा वॉल्यूम ऑफ टैंक इन 1 आवर का मतलब क्या होता है 60 मिनट, तो अगर वॉल्यूम ऑफ टैंक इन 30 मिनट पूछा जाए तो क्या करोगे, 60 का हाफ करोगे, जब यहां पे हाफ करोगे तो यहां भी हाफ करोगे, तो यहां हाफ करोगे तो 30 मिनट हो जाएगा और यहां पे हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 45,000। तो यानी कि अगर 30 मिनट में पूछा जाए तो 45,000 मीटर क्यूब पानी टैंक के अंदर होता है 30 मिनट में। अगर 1 घंटे में इतना होता है 90,000, तो 30 मिनट यानी आधे घंटे में 45,000 मीटर क्यूब पानी होता है टैंक के अंदर। अब उतना पानी जब जमीन पे जाएगा तो जाके जमीन इरिगेट होगी। अब समझना, तो जमीन का जो जमीन पे जो पानी गया है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फार्म या इन द एरिया टू इरिगेट, इन एरिया टू इरिगेट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फार्म में जाएगा इरिगेशन के लिए वो कितना जाएगा, जो यहां से 30 मिनट में निकला यानी कि 45,000। इतनी बात क्लियर, जबकि जो वॉल्यूम इसमें गया है सर उस वॉल्यूम का क्या मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं यहां पे, लेकिन सर शेप तो क्लियर नहीं है, जमीन पे जो पानी गिरा है उसका शेप क्या है सर, पता है क्या आपको, नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, जब भी शेप ना बताओ तो एक फिक्स फॉर्मूला लगा लिया करो, एरिया इंटू हाइट, क्या लगा लिया करो, एरिया इंटू हाइट। जैसे कि कोई बॉडी है, जैसे कि मान लो झरने से पानी गिर रहा है, अगर झरने से जो पानी गिर रहा है उस पानी का शेप तो आपको क्लियर है नहीं, जब आपको अगर शेप नहीं क्लियर है तो आप एक काम कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे वॉल्यूम के सभी फॉर्मूले बनते हैं, एरिया इंटू हाइट, तो उसमें क्या करना होता है आपको एरिया लिखना होता है जितने एरिया पे पानी गिरता है, और हाइट लिखनी होती है जितने हाइट से या जितना हाइट दिया जाए आपको सवाल में कितने हाइट तक पानी गिरा है, मतलब समझ रहे हो ना बात को, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एरिया टू इरिगेट, तो अगर निकालेंगे तो एरिया इनटू हाइट रखते हैं यहाँ पे और ये 45,000 हो जाएगा। और स्टैंडिंग वाटर का मतलब ये है कि कितनी हाइट तक दिया गया, 8/100 मीटर में अगर देखा जाए तो 45,000 हो गया। यहां से एरिया निकाल लो, यहां से एरिया निकालोगे तो क्या होगा 45 और 1 2 3 और 4 और 5 और अपॉन में 8 करोगे 8 4 8 5 40 8 5 40 लगा देना, 50 बचेगा 8 से 48 लगा देना, 20 बचेगा 8 2 16 लगा देना, फिर 4 0 8 5 40 8 0, तो 5 6 2 5 00 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट। बात समझ में आएंगे, सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ना, समझ में कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा दोबारा से।